Do you know what is a Google Lens and what is the pros and cons of Google Lens? And there are several queries which I got through my previous video, और उसमें स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ हमसे पूछा है कि कैसे इसको यूज करते हैं। आपने तो बता दिया, लेकिन उसके क्या लाभ और क्या नुकसान है, क्या इसको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कब ये स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, बहुत सी थ्योरीज हैं जो अंदर हम आपको सॉल्व करेंगे। सो ढूंढो और जानो कि गूगल लेंस क्या क्या कर सकता है और बेनिफिशियल है कि नहीं है। कुछ लोगों ने उसको रिजेक्ट भी किया है, तो आगे हम सारी चीजें जानेंगे वन बाय वन। गूगल लेंस कैन हेल्प टू मेक यू योर स्मार्टफोन मोर स्मार्टर। आपका फोन वैसे तो स्मार्टफोन है, लेकिन उसको और भी अच्छा बनाता है कौन? गूगल लेंस। देन बिकॉज इट विल यूज द कैमरा ऑफ योर स्मार्टफोन टू हेल्प यू विथ अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट ऑब्जेक्ट्स दैट यू हैव अराउंड यू। आपके चारों ओर क्या ऑब्जेक्ट्स है, पहले भी हमने बताया था कि उसको ढूंढ कर उसके बारे में वो बताता है। बाई यूजिंग गूगल लेंस यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट बार कोड्स, लैंडमार्क्स, एनिमल्स, बिजनेस कार्ड एंड मैनी अदर थिंग्स। आप इन सब चीज़ों के बारे में गूगल लेंस के थ्रू इजीली जान सकते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप दिखाते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको वो दिखा देता है और आपको चॉइस देता है कि आप उसको सेलेक्ट कीजिए। एडवांटेजेस प्रोज ऑफ गूगल लेंस। यू कैन यूज इट टू कॉपी टेक्स्ट इजीली। गूगल लेंस को यूज करके आप टेक्स्ट को इजीली यूज कर सकते हैं। गूगल लेंस विल नॉट जस्ट कॉपी टेक्स्ट, इट विल हेल्प यू टू कॉपी टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड ऑल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद इन द टेक्स्ट सच एज ईमेल एड्रेस, एड्रेसेस, डेट एंड नंबर। वो केवल टेक्स्ट को पढ़ता ही नहीं है, बल्कि वो उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे ईमेल एड्रेस, एड्रेसेस और डेट और नंबर को भी जानता है और आपको बताता है। यू कैन फाइंड सिमिलर प्रोडक्ट्स विद अ गूगल मीन्स। अभी जैसा कि हमने फर्स्ट पेज पे बताया कि आप अगर जिस ऑब्जेक्ट को गूगल लेंस से सर्च करते हैं, लुकिंग फॉर अ सिमिलर प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट विल ऑल्सो कम ऑन इजली इजी थिंग्स टू डू विद द हेल्प ऑफ गूगल लेंस। यू जस्ट नीड टू कैप्चर द फोटो एंड गूगल लेंस विल डू रेस्ट। आपको तो बस उसकी फोटो लेनी है गूगल लेंस से, उसके बाद तो सारा काम गूगल लेंस करता है। गैदर क्विक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक बुक। आपके बुक की इंफॉर्मेशन आपके कवर से गैदर करता है। कलेक्टिंग क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट बुक विल ऑल्सो बिकम ईजी थिंग्स टू डू विद द हेल्प ऑफ गूगल लेंस। यू जस्ट नीड टू पॉइंट द कैमरा ऑफ योर स्मार्टफोन टू द कवर ऑफ द बुक, देन यू कैन क्विकली रिसीव अ समरी ऑफ द बुक। तो आप अपने बुक की समरी इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। ईजिली ओपन द लिंक। ऑल यू हैव टू डू is to scan the link with your smartphone and use Google Lens to continue browsing. Google Lens is capable of understanding links that are included in a business card and poster and give detailed information. आपके पास कोई बिजनेस कार्ड है या पोस्टर है या कैलेंडर है और उसमें आपके किसी बिजनेस कोलीग का डिटेल लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक के थ्रू आप गूगल लेंस से सर्च कर सकते हैं उसकी सारी जानकारी को। You have to just take the photo of that link. You can get review or venues. अब कोई जगह आपको ढूंढनी है या उसको रिव्यू करना है तो आप इससे गूगल लेंस से इजिली ढूंढ सकते हैं। Assume that you are looking for cafe or restaurant in your local area. This is where Google Lens can help you and you can make a decision that whether you could go ahead or not. अब आप गूगल लेंस के थ्रू अपने पाथ को ढूंढ सकते हैं और अगर कहीं पे गड़बड़ आपको लग रहा है तो आप वापस भी आ सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि हम गलत तरफ जा रहे हैं। यू कैन आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल। जैसा कि हमने बताया था कि जिस भी प्लांट या एनिमल की फोटो आप लीजिएगा उससे रिलेटेड ढेर सारे इंफॉर्मेशन डिफरेंट कैटेगरी के सेम टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स की आ जाएगी। यू कैन डिस्कवर गुड म्यूजिक विद अ गूगल लेंस। अब ये तो और भी अच्छा है कि हमें कोई म्यूजिक ढूंढनी है तो हम गूगल लेंस के थ्रू उसको ढूंढ सकते हैं, उसके इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर सकते हैं उसके एल्बम से।
यू कैन स्कैन QR कोड. हमने फर्स्ट ही पेज पे आपको बताया कि QR कोड को हम स्कैन कर सकते हैं और QR कोड से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो गूगल लेंस अनकवर करके आपको दे देता है कि किसका QR कोड है, कैसे है. दिस एडवांटेज ऑफ गूगल लेंस. अब जब सब कुछ वो आपका पढ़ ही लेता है तो आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है. गूगल लेंस विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू. बिफोर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन विद अदर पार्टीज यू विल नीड टू थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग गूगल लेंस टू डिलीवर अ परफेक्ट सर्विस. गूगल लेंस इज यूजिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाई यू एंड कंटिन्यू कलेक्टिंग योर इन्फॉर्मेशन. सो सम पीपल डोंट लाइक दिस एट ऑल एंड इट इज़ अ रिलेटिवली इन्वेजिव. तो आपकी क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वो लेता है तो आप अगर बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो भी वो ले लेता होगा और उसको अगर वो थर्ड पार्टी को दे देता है तो आपके लिए ये रिस्की हो सकता है. सो कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते हैं. नॉट 100% एक्यूरेट. गूगल लेंस इज़ द बेस्ट टूल बट नॉट परफेक्ट. इट इज़ नॉट इन पोजिशन टू डिलीवर 100% एक्यूरेट रिजल्ट टू यू एट ऑल टाइम. It only provides 92% correct, so you can't rely on your Google Lens. और आप इसके ऊपर rely नहीं कर सकते क्योंकि इसकी information 92% ही correct होती है. When invented Google Lens, first कब Google Lens invent हुआ? Queries थी. First announced during Google input output 2017. IO 2017. It was the first provided as a standalone app. लेटर बींग इंटीग्रेटेड इन टू एंड्रॉयड स्टैंडर्ड कैमरा ऐप. अभी कैमरा ऐप से इंटीग्रेटेड है और 2017 में इसको बनाया गया. बाद में स्टैंड अलोन ऐप बना. दस गूगल लेंस कॉस्ट मनी. गूगल लेंस इज फ्री एंड कैन बी डाउनलोडेड ऑन बोथ iOS एंड एंड्रॉयड डिवाइस. जनरल एडमिशन इज रिक्वायर्ड टू एसेस द म्यूजियम परमानेंट कलेक्शन. तो ये फ्री होता है आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. कैन आई यूज गूगल लेंस विदाउट डाउनलोडिंग? अरे अब ये इतना ज़्यादा खतरनाक है तो क्या इसको हम बिना डाउनलोड किए भी यूज कर सकते हैं? गूगल हैज़ रिलीज अ स्टैंड अलोन लेंस ऐप इन अ गूगल प्ले. सो नाउ यू कैन हैव येट अनदर वे टू एसेस द फीचर इफ योर एंड्रॉयड डिवाइस डजंट करेंटली ऑफर इट. ऑन गूगल प्ले द ऐप सेज इट्स रिक्वायर एंड्रॉयड मार्शमैलो एंड अबव. उन्होंने कहा गूगल पे जो है वो विदाउट डाउनलोडिंग यूज किया जा सकता है. पर उसके लिए एंड्रॉयड जो होता है वो अच्छा होना चाहिए. इज गूगल लेंस अ प्राइवेसी? गूगल लेंस फॉर इंस्टेंस स्टोर अ स्मॉल वर्जन ऑफ योर इमेज. Your viewed your account, the company said both the images and the audio can be deleted using Google privacy setting. Press the three dot button on the right side of the card and press the delete button. अगर Google Lens आप download कर लेते हो और बाद में आप delete करना चाहते हैं तो उसके right hand side में three dot पर click करिए और उसको delete कर लीजिए, जिससे आपकी privacy ना reveal हो और जब तक use करें तभी तक करें. Does Google Lens have an API? Through the REST-based API called Cloud Vision API, Google shares its revolutionary vision-related technology with all developers. By using the API, you can effortlessly add impressive features such as face detection, emotion detection, and optical character recognition to your Android. आप API use करके face पहचान सकते हैं, इसको emotion को जान सकते हैं और ऑप्टिकल करेक्टर को रिकॉर्ड कर सकते हैं. कैन गूगल लेंस सॉल्व मैथ प्रॉब्लम? यस, गूगल लेंस कैन सॉल्व सिंपल इक्वेशन सच एज 5+2 और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला सच एज x2 - 3x + 2. यू कैन स्कैन अ प्रॉब्लम फ्रॉम रियल वर्ल्ड पीस ऑफ पेपर और फ्रॉम डिजिटल डिस्प्ले. ओपन द गूगल ऐप ऑन योर एंड्रॉयड फोन और टैबलेट. iPhone or iPad, tap the lens icon from the right side of the search bar and get answer. How do I convert picture to my phone? Choose to insert an image from your gallery or take a new image with a built-in camera on your device. After you have selected an image, QuickBird will give you some option to resize and rotate the image along with the image preview. जैसे आप जनरल इमेज मैनिपुलेशन के सॉफ्टवेयर यूज़ करके इमेज को
रोटेट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं और प्रीव्यू कर सकते हैं, सेम ढंग से आप गूगल लेंस में यूज़ करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और क्विक वर्ड की हेल्प से। टच ओके टू सेव चेंजेस एंड इंसर्ट द इमेज इनटू योर डॉक्यूमेंट। और अगर आप इसके इमेज को टच करते हैं और डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो इजी आप उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। कैन आई डिसेबल गूगल लेंस ऑन योर एंड्रॉयड फोन? यू गो इनटू योर सेटिंग ऐप एंड क्लिक ऑन द थ्री डॉट्स एट द टॉप राइट ऑफ द स्क्रीन। चूज द शो सिस्टम, स्क्रॉल डाउन टू द लेंस, क्यू लेंस और बोथ डिपेंडिंग ऑन योर फोन एंड देन क्लिक फोर स्टॉप एंड डिसेबल। So this is all today, viewer. If you like it, please share and subscribe my channel, Ratan Agarwal, IT Informer. Follow my all social media link. Join my Telegram channel, Techratan. Go to the community and comment there and ask the question if any you want to ask me regarding to the Google Lens. So aap Google Lens ko disable bhi kar sakte hain aur uninstall bhi kar sakte hain. जब तक आप यूज़ करिए तब तक उसको अनेबल करिए, अदरवाइज डिसेबल कर दीजिए, अदरवाइज वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन पूरे टाइम पढ़ता रह सकता है। सो थैंक यू व्यूअर, आई थिंक कि इसको यूज़ करके आप अपनी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाइएगा। दिस इज़ ऑल टुडे, थैंक यू।